उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है और ये नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे लेकिन वो अब अंबेडकर नगर से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं और उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। इस सीट पे हमेशा समाजवादी पार्टी या बसपा का कब्जा रहा है लेकिन इस बार इस सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ली है। जिन दो लोग विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें कटहरी विधानसभा है और अयोध्या की मिल्कीपुर, यानी यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे लेकिन अब वो अयोध्या से सांसद बन करके गए हैं। इस्तीफा देने के बाद वो भी सीट रिक्त हो गई है और वहाँ से अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वहीं से विधायक थे इस्तीफा दे दिया, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो समाजवादी पार्टी ने दो बड़े नेताओं को खास तौर पे अंबेडकर नगर और अयोध्या में लगाया है। इसके अलावा मझवा जो मिर्जापुर के विधानसभा की सीट है जहां पे निषाद पार्टी के विधायक थे लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पे लोकसभा के सदस्य चुने गए, वहाँ भी उपचुनाव होना है। ऐसे में वहाँ की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद बीरेन सिंह को दी गई है और ये सीट भी समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रदेव यादव जो पूर्व मंत्री हैं उनको करहल विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे लेकिन कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि यहाँ पे बहुत कई सारे दावेदार थे, कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जता रही थी लेकिन अखिलेश यादव ने प्रभारी घोषित करके संकेत दे दिए कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीसामो जो कानपुर की सीट है उपचुनाव होने हैं जहां से इरफान सोलंकी को आयोग घोषित कर दिया गया है क्योंकि वो जेल में है और उनको सजा सुनाई गई है। ऐसे में यहां पे भी चुनाव होने हैं तो राजेंद्र कुमार को यहां की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन अभी चार विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी ने प्रभारी घोषित नहीं किए गए हैं। वो चारों विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो गाजियाबाद की हो या अनूप वाल्मीकि जो यूपी सरकार में मंत्री थे वो सांसद बन गए उनकी सीट हो, या आरएलडी की चंदन चौहान जो सांसद बन गए उनकी सीट हो, इन सीटों पे समाजवादी पार्टी ने प्रभारी घोषित नहीं किए। यानी कांग्रेस चूंकि इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, कांग्रेस 5 सीटों पे दावेदारी कर रही है लेकिन 6 सीटों पे अखिलेश यादव ने प्रभारी घोषित करके ये बता दिया है कि कांग्रेस को 5 सीटें सपा देने के मूड में नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा जो 4 सीटें अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं किए गए हैं इस पे कांग्रेस कितनी सीटें मांगती है या सपा कितना देती है, इन चीज़ों को भी देखना होगा। लेकिन संभल की जो सीट है एक विधानसभा की सीट जहां से शफीकुर रहमान बर्ग के बेटे विधायक थे जियाउर रहमान बर्ग वो भी सांसद बने गए, तो वो सीट समाजवादी पार्टी अपने पास अभी भी रख सकती है। इसके अलावा 1-2 सीटें और हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पश्चिम में भी बहुत मजबूत है तो उन सीटों पर भी प्रभारी जल्द घोषित कर सकती है। लेकिन कांग्रेस कई सीटों पर जो दावेदारी कर रही है वैसे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति कर दी एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स यानी कांग्रेस पे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में सपा ने बहुत सारे उम्मीदवार पहले उतार दिए थे, अब देखना ये होगा कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, क्या अखिलेश यादव से जो अपेक्षा करेगी कांग्रेस उन सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में जा रही है, प्रभारियों की नियुक्ति करके एक तरीके से उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी से 2-2 हाथ करने की पूरी तैयारी है। जैसे लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया था समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है समाजवादी पार्टी वही चीज़ें दोहराएगी और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनका मानना है कि अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और उपचुनाव जीत करके एक बड़ा मैसेज बीजेपी को देगी कि 2027 का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई मौक़ों पे कहा है कि 27 में भाजपा गई, भाजपा का खेल खत्म होने वाला है। तो इस उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 2 विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, 2 विधानसभा बृजेश पाठक के पास है जो डिप्टी सीएम है, 2 विधानसभा की सीटें जो है
केशव प्रसाद मौर्य के पास है। संगठन महामंत्री को पहली बार दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष के पास भी है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई वो चुनाव में ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला करके सपा से बदला लिया जाए। वही सपा ने प्रभारियों की नियुक्ति की है और जिन नेताओं को लगाया गया है वो चुनाव के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी या प्रभारियों की नियुक्ति के बाद उम्मीदवार का ऐलान कब करती है। हालांकि अभी चुनाव की डेट नहीं आई है लेकिन प्रत्याशियों के नाम पे मंथन शुरू हो गया है। खबर ये भी है कि कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी ने बैठक करके प्रत्याशियों को संकेत दे दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाकर के प्रचार करिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।